गुड मॉर्निंग दोस्तों, मीना किचन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों ये देखिए विंका, विंका में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए जितने भी प्लांट विंका के मेरे पास हैं सभी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए एक ये है, ये देखिए एक ये है। दोस्तों ये प्लांट मेरे पास अपने आप ही हो गया था, पता नहीं गली में कहीं हो रखा था, हमारी गली में, और वहाँ से मैं उखाड़ के ले आई थी। बिल्कुल छोटा सा, जब तक मुझे भी ये भी नहीं पता था ये विंका ही है। लेकिन जैसे ही अच्छी लीफ आई इसकी, जब ही मुझे पता चला कि ये विंका है और मैं ले आई थी, अब एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट हमारे गार्डन में हो गए हैं। ये देखिए ये एलोवेरा, इसमें भी कितने सारे प्लांट ये निकले हुए हैं, और इसी में से निकाल निकाल के मैं लगाती रहती हूँ अलग अलग, और इसी से हमारे पास ये सारे प्लांट हुए हैं। दोस्तों अभी मुझे करना तो कुछ और काम है, मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखिए दोस्तों, ये शायद मुझे मरवे के ही लग रहे हैं। मरवे का प्लांट हमारा सूख गया था, उसी के बीज मैंने डाल दिए थे। जो डंडियाँ थी सारी मैंने इसी टॉक इसमें डाल दी थी, जो ये टप हमारे पास है। और देखिए कितने सारे मरवे के पेड़ हमारे पास हो गए हैं, और इसको मैं शिफ्ट करूँगी। ये आटे की पन्नी मेरे पास थी पॉलीथीन, इसी में मैंने मिट्टी भर ली है, और नीचे जितना भी हमारे सूखे प्लांट थे, लकड़ियाँ थी पतली पतली छोटी छोटी, सारी मैंने इसमें भर दी और ऊपर से मिट्टी भर दी। और ये रैन लिली है, इसमें भी मरवे के प्लांट ये हो गए हैं। देखिए कोशिश करूँगी सभी को बचाने की, काफ़ी सारे हो गए हैं। कुछ मैं दे भी दूँगी, पड़ोसियों को मांग भी रहे थे कई जने। और जितनी भी ये रैन लिली है, इनको मैंने सेव करने के लिए ही इसमें लगा रखा था, लेकिन इसमें ये होएगी नहीं, जड़ इसकी काफ़ी फैल चुकी है। ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी जड़ हो गई है, तो फ्लावरिंग तो इसमें नहीं होएगी। केवल इनको सेव करने के लिए मैंने इसमें रखा हुआ था, और अभी मैं इन सबको इसी में लगा दूँगी। दोस्तों लगा के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी लंबी लंबी इसकी जड़ हो गई हैं, और इस तरह से गुच्छा बना बना के मैं इसमें लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बैग में नहीं बना सकती, ले जाने में हमें दिक्कत होएगी, अपने मकान में जाना होगा जब। तो अभी मैं इसी में इसको सेव कर देती हूँ। एक से ही काफ़ी सारे बल्ब हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं इस तरह से गुच्छा बना बना के इसमें लगा रही हूँ। दोस्तों देखिए ऐसे ही मिट्टी में गाड़ दूंगी। ये देखिए दोस्तों रैन लिली के सारे प्लांट मैंने इसमें लगा दिए हैं, और अब इसमें फ्लावरिंग भी हो जाएगी और हमारे प्लांट्स भी बच गए। और अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं प्लांट्स निकाल के दे भी दूंगी। ये भी सारे रैन लिली के हैं, ये डोगी ने खा लिया, गमला भी तोड़ दिया डोगी ने। ये देखिए ये भी सारे मरवे के पेड़ हैं, कितने सारे प्लांट्स हमें फ्री में मिल गए। और पहले भी जो इसका मदर प्लांट था वो भी मुझे फ्री में मिला था, बगल में प्लांट में किसी के हो रखा था, मैं उखाड़ के ले आई थी। और अभी मैं क्या करूँगी, जो इस वाले टप में है इसमें से दो तीन प्लांट मैं निकाल लूँगी जो सही सही से होंगे। इसी को निकाल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों ये बाल्टी मेरे पास पड़ी थी प्लास्टिक की, और मिट्टी भर के इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, जो हमारे पुरानी गमले की मिट्टी है वही मिट्टी है, बिल्कुल ही भुरभुरी मिट्टी है ये। ये देखिए दो कटिंग मैंने ले ली है इसमें से मरवे के प्लांट, और इसको मैं इसी में गाड़ दूँगी। और किसी को अगर ज़रूरत होगी तो दे भी दूँगी मैं, काफ़ी सारे प्लांट हो गए हैं। देखिए ये देखिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, प्लीज़। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय।